पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी और 3P और ट्रिपल पी? हर दिन एक फेमस टॉपिक का फुल फॉर्म और उसके बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट डिटेल्स की भी जानकारी, ताकि आप उस टॉपिक को कभी ना भूलें, के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। पीपीपी एक बहुत ही फेमस एक्रोनिम है जिसके कई फुल फॉर्म बहुत ही प्रसिद्ध है। उनमें से 5 फुल फॉर्म के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। पीपीपी का पहला सबसे फेमस फुल फॉर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यह पब्लिक सेक्टर यानी सरकार और प्राइवेट कंपनी के पार्टनरशिप को दर्शाता है। देश के लिए जरूरी किसी प्रोजेक्ट के लिए जब सरकार को यह महसूस होती है कि उसके पास जरूरी पैसा, उस काम को करने की दक्षता और उस काम के लिए स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो वह किसी प्राइवेट फर्म के साथ पार्टनरशिप करती है जो इस काम को करने में एक्सपर्ट है। इसी पार्टनरशिप को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। आम तौर पर इस तरह का पार्टनरशिप तब होता है जब सरकार को कोई रोड, पुल, कॉलेज, एयरपोर्ट, पावर प्लांट आदि बनाना हो। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि सरकार को किसी नदी पर एक पुल बनाने की जरूरत है ताकि लोगों का आवागमन आसानी से हो सके और उस एरिया का विकास हो सके। पुल बनाने के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे और स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होगी। अगर सरकार इन सभी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करे तो उसे इस काम में कई साल लग सकते हैं। इसके जगह पर सरकार किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी को जो पुल बनाने के काम में एक्सपर्ट हो के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। अब वह प्राइवेट कंपनी नदी पर पुल बनाएगी और पुल निर्माण के बाद जब लोग उस पुल से गुजरेंगे तो उनसे एक शुल्क वसूलेगी। इस तरह पुल बन जाने से वहाँ के लोगों को भी सुविधा होगी, उस एरिया का विकास होगा, मिलने वाले शुल्क में से कुछ हिस्सा सरकार को भी मिलेगा और उस प्राइवेट कंपनी को भी फायदा होगा। देश की विकास को गति देने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही है। और यह देश और सरकार के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें कोई भी काम अच्छे ढंग से समय पर हो जाता है। पीपीपी का एक और अच्छा बात यह होता है कि इसमें अधिकतर रिस्क प्राइवेट कंपनी द्वारा उठाया जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कारण सरकार अपना ध्यान बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर दे सकती है। पीपीपी का दूसरा फेमस फुल फॉर्म पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। आज जो लोग भी कंप्यूटर का यूज करते हैं उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के इस प्रोडक्ट के बारे में पता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग कर हम किसी भी बात को विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान है और इसके द्वारा बनाया गया प्रेजेंटेशन से लोगों को कोई बात समझाना बहुत आसान हो जाता है। पीपीपी का तीसरा फुल फॉर्म परचेजिंग पावर पैरिटी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के माध्यम से हम किसी भी दो देशों के आर्थिक उत्पादकता और जीवन स्तर की तुलना कर सकते हैं। पीपीपी का अर्थ है क्रय शक्ति समता। यह एक आर्थिक सिद्धांत है जो सामानों का उपयोग करते हुए दो देशों की मुद्राओं की तुलना करता है। हम क्रय शक्ति समानता का उपयोग करते हुए दो देशों के बीच दो आय की तुलना कर सकते हैं। पीपीपी के अन्य फुल फॉर्म पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, जो कि पाकिस्तान की एक फेमस पॉलिटिकल पार्टी है। प्रोग्रेसिव पीपुल्स पार्टी भी पीपीपी का एक फेमस फुल फॉर्म है, जो गुयाना की लेफ्ट फ्रंट पॉलिटिकल पार्टी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पीपीपी के फुल फॉर्म के साथ उसके बारे में एक बेसिक जानकारी भी मिल पाई। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। आपकी तरफ से कोई सुझाव या सवाल हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।